मैं फिर से आपके सामने तबले से जुड़ी हुई एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कहरवा के ऐसे बहुत सारे वेरिएशन के बारे में जिनमें दो उंगलियां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। और किन दो उंगलियों के बारे में बात करने वाला हूं, फर्स्ट और सेकंड फिंगर के बारे में। ये हमारी फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर के बारे में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है और बहुत सारे जो वेरिएशन हैं इन्हीं दो फिंगर के साथ जुड़े होते हैं। अब ये दो फिंगर जो हमारी दो उंगलियां हैं, कौन से बोलों की और कौन से वेरिएशन की, कहरवा के वेरिएशंस की मैं बात कर रहा हूं, और उनको आपने कैसे बजाना है। अगर आप अच्छे ढंग से इन दो उंगलियों के ऊपर ज्यादा रियाज पर जोर देंगे तो आपके ये जो वेरिएशन है वो बहुत ही सुंदरता से तबले पर निकलेंगे। तो इसलिए ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखें और देखिए कितने सुंदर आपको मैं वेरिएशन सिखाने वाला हूँ। इन दो उंगलियों से जुड़े हैं और ये दो उंगलियां उनमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। तो देखिए कैसे, पहले मैं आपको फर्स्ट वेरिएशन बजाकर दिखा रहा हूं। तो इसके देखिए बोल क्या है, तो देखिए इसमें मेरी ये दो उंगलियां चल रही हैं, देखिए कैसे। मदीन पर देखिए ये दो उंगलियां चल रही हैं, और वैसे ही अगर देखा जाए, अगर डग्गे पर आप देखेंगे तो हर बोल के ऊपर ये दो उंगलियां चलती हैं। मैंने इसके बारे में रियाज के बारे में बताया भी है, ये दो उंगलियां जो हमारे लेफ्ट साइड यानी कि डग्गे पर जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं, और ये दो उंगलियां इस डग्गे पर भी चलती हैं। पर आज हम बात कर रहे हैं मदीन के, जो आपको बोल भी बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहे थे और वेरिएशन बजाने बड़े मुश्किल आपको लग रहे थे, आज वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो देखिए कैसे, जो पहला वेरिएशन है इसके बोल है, पहले मैं आपको बजाकर दिखा देता हूं। पहले मैंने वैसे बजाकर आपको दिखा दिया, तो देखिए फिर बजा रहा हूं। बोल है दिट दिट दिता दिट दिता दिट दिता दिट दिता दिट दिता दिट दिता दिट दिता। अब फिर देख लीजिए धिता धिट धिता, तो देखिए ये बोल आपने बजाने हैं। और देखिए अब देखिए ये निकालने कैसे है, तो बिल्कुल आसान है, तिट का वेरिएशन है इसके साथ जुड़ा हुआ, तिट इसमें उल्टा चल रहा है। तो देखिए धिट धिट धिता तिट धिता, तो अब देख लीजिए ये दो उंगलियां कितनी इंपॉर्टेंट है और लेफ्ट साइड की दो उंगलियां कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये दो उंगलियां मदीन पर अगर आपकी वेरिएशन में बहुत अच्छे ढंग से प्ले होंगी तो फिर वेरिएशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखिए, तो ये हो गया फर्स्ट वेरिएशन कहरवा का, ये जो दो उंगलियों से जुड़ा है मदीन पर, देख लीजिए दिट दिता दिट दिता दिट दिता दिट दिता, ये फर्स्ट वेरिएशन होगा। जब तेज बजाएंगे तो देखिए कितना अच्छा लगता है। कितना अच्छा ये लगता है। तो अब अगले वेरिएशन की बात करते हैं, तो देखिए ये वेरिएशन, अब मैं आपको पहले बजाकर दिखा रहा हूं। अब देखिए ये वेरिएशन एक उंगली से भी बजता है और दो उंगलियों से भी बजता है, पर आज हम दो उंगलियों की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, पहले तो मैंने सिंगल से आपको बजाकर दिखाया, अब दो उंगलियों से कैसे बज रहा है देखिए। देखिए बोल है धिक धिक, तो इसको आप धी क नहीं बोल सकते, क ही बोलेंगे आप, क ये लग रहा है। देखिए धिक 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 धिता धिक धिता धिक धिता धिक धिता धिक धिता धिक धिता, इसमें
कई तो इसको बजाकर यानी कि दबाकर इसको बजाते हैं और कुछ खुला छोड़कर इसे बजाते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, आप बजा दबाकर भी बजा सकते हैं और खुला छोड़कर भी बजा सकते हैं। तो अब देखिए, आपने इसको बजाना है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अगला वेरिएशन देखते हैं। तो देखिए अगला जो वेरिएशन है वो भी दो उंगलियों से जुड़ा हुआ है। तो देखिए कैसे, बजाते हैं। एक तो जो मैं अभी बजा रहा हूं देखिए, पर हमने जो इजी है वो वेरिएशन सीखना है। तो देखिए वो कैसे है, तो इसके बोल है धाती धाता ताती धाता ताती धाता बोल है। और अगर आप बोल लिखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में से देखकर सबसे पहले बोल लिख लें अपनी कॉपी पर और फिर इनको बजाना शुरू कीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट, ये मैं आज आपको क्यों बता रहा हूं, दो उंगलियों के जो वेरिएशन क्यों बताने वाला हूं, ये क्यों बता रहा हूं, तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने यह कहा कि सर हमें दो उंगलियों में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और जो मेरे पास स्टूडेंट सीखते भी हैं, उनकी जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो दो उंगलियों को चलाने में आती है, और ये जो दो उंगलियां हैं उनकी अच्छे ढंग से नहीं चलती। तो ये दो उंगलियां कैसे चलेंगी, तो ये दो उंगलियां तभी चलेंगी जब आपका इसका जब आप इन दो उंगलियों का अच्छे ढंग से रियाज करेंगे और अच्छे ढंग से और टेक्निक में जब आप तबले पर इनका प्रयोग करेंगे तब ये आपके जो वेरिएशन है ये निकलेंगे। तो बस ये आपने ध्यान में रखना है और इन वेरिएशंस को धीरे धीरे बिल्कुल स्लो स्पीड में शुरुआत से आपने यानी कि शुरुआत में जब आप इनको बजाना शुरू करें तो आपको सभी बोल निकालने अच्छे ढंग से आने चाहिए जो इसमें प्रयोग हुए हैं। जैसे टिट उल्टा बोल है टिट टिट, या फिर सीधा बोल है टिट टिट टिट। तो ये बोल जितने भी हैं पहले आपको निकालने आने चाहिए। अगर आपको निकालने नहीं आते तो मेरी वीडियो देखिए जिसमें मैंने बताया है कि तबले के सारे बोल कैसे निकालें। और अगर हम निकालना सीखना चाहते हैं टेक्निक में तो वो कैसे निकालेंगे, वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तीन वीडियो मेरे चैनल पर है तो वो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, जिससे क्या है कि आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी बोलों से जुड़ी हुई। तो ये जो वेरिएशन है आप पहले इनका रियाज करें। और कुछ वेरिएशन मैं आपको ऐसे भी बताने वाला हूं जिनमें अलग अलग उंगलियों का यूज होता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अलग अलग उंगलियों को यूज करना कैफा के बहुत सारे वेरिएशन में, तो वो भी आपको सिखाने वाला हूं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो एक दोस्त ने ये कहा था कि सर जो मेरी टिट है, जो आपने अलग अलग स्टाइल की टिट बताई, तो मैंने 5 तरह की आपको टिट बताई थी। तो एक वीडियो में मैंने आपको 2 तरह की बताई थी और उससे अगली वीडियो में फिर अलग तरह की 2 तरह की बताई थी, फिर एक वीडियो में मैंने 5 तरह की बताई है। तो वो आप वीडियो देखें आपको पता चल जाएगा कि टिट किस किस तरह से बजाई जाती है, तो आपको समझ आ जाएगा। और आपको जो टिट की आपकी जो समस्या है निकालने की, उस वीडियो को देख कर आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, तो फिर कोई समस्या नहीं आने वाली है। और अगर आप तिट को अच्छे ढंग से हर स्टाइल से निकालेंगे तो तिरकिट और तिरकिट तक तिरकिट या तक तक तिरकिट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है तो मैसेज जरूर करें, कमेंट जरूर करें। मैं आने वाली वीडियो में आपसे जो आपका कोई प्रश्न है या कोई समस्या है उससे जुड़ी हुई जो उसका आंसर होगा वो अपनी वीडियो में जरूर डालूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए लेसन के साथ हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद।